चलो चैप्टर नंबर 11 देखते हैं। क्लास 12 तक की बायोलॉजी में चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। इसका पहला क्वेश्चन है कि राइजिंग ऑफ द डफ ड्यू टू, तो डफ में जो राइजिंग ऑफ द डफ ड्यू टू द सिंपल सा क्वेश्चन, इसका उत्तर हो जाएगा बी कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 की वजह से राइजिंग ऑफ डफ होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ DNA। DNA जो है डबल स्टैंडर्ड DNA जो होता है, एक DNA मान लो ये DNA हो गया, ठीक है, एक तो 5' to 3' हो गया एक स्टैंड, दूसरा स्टैंड हो जाएगा क्या फिर 3' to 5', एंटी पैरेलल होता है, ठीक है एंटी पैरेलल होता है। ओके वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉलो करता है, फिलहाल वो छोड़ो DNA। अच्छा अब इसको हमको जो है DNA के इंड को कट करना है, मतलब इसके टर्मिनल इंड को, टर्मिनल इंड मतलब या तो 5' इंड से कट करेगा या तो 3' इंड से कट करेगा जो डबल स्टैंडर्ड DNA है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि टर्मिनल इंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लगे रहते हैं, एडेनिन थायमिन से लगा रहता है और गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल हाइड्रोजन साइटोसिन से लगा रहता है। हमको ये जो DNA डबल स्टैंडर्ड DNA है इसके टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना है तो कौन सा एंजाइम लगाना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी में दे रखा है रेस्ट एक्जोन्यूक्लिएज। एक जो न्यूक्लियस एंजाइम में लगाएंगे तो ये टर्मिनल एंड को DNA के टर्मिनल एंड से ही रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। लेकिन अगर अगर हम एक जो न्यूक्लियस एंजाइम लगाएंगे सॉरी एंडो न्यूक्लियस एंजाइम लगाएंगे, एक एंडो न्यूक्लियस होता है, एंडो न्यूक्लियस लगाएंगे तो एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, एंडो न्यूक्लियस। ओके तो एंडो न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही DNA में से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। ओके तो ये हो गया एक जो न्यूक्लियस एंडो न्यूक्लियस और ऑप्शन दे रखा है, तो उसका तो उत्तर टर्मिनल एंड से रिमूव करना है, तो सिंपल सा एंड से रिमूव करना है तो उत्तर आ जाएगा एक जो न्यूक्लियस, दूसरे का भी सही हो जाएगा। अगर एंडो न्यूक्लियस तब होता जब देता कि एक स्पेसिफिक पोजिशन से, स्पेसिफिक पोजिशन से अगर हम DNA से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, एक स्पेसिफिक पोजिशन से ही DNA को कट करता है तब एंडो न्यूक्लियस होगा। ओके तो एंडो न्यूक्लियस होगा नहीं क्योंकि एसी पोजीशन करता है एंड से नहीं करता है, एक जो न्यूक्लियस हो जाएगा दूसरे का, तीसरा लाइगेज, लाइगेज क्या करता है ज्वाइनिंग करता है DNA को, जो DNA का फ्रेगमेंट हुआ है या DNA जो जो फ्रेगमेंट के रूप में उसको ज्वाइन करने का काम करता है DNA लाइगेज, ठीक है DNA लाइगेज। ओके तो ये DNA लाइगेज भी नहीं होगा। अब हिंड थर्ड क्या, हिंड थर्ड तो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है। ओके ये भी एक स्पेसिफिक पोजीशन से ही DNA को कट करेगा तो ये भी नहीं होगा, दूसरे का सिंपल सा बी सी हो जाएगा एक जो न्यूक्लियस, यही जो है एक टर्मिनल एंड से DNA के टर्मिनल एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी सी। क्वेश्चन नंबर 3 द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया थ्रू द मेडिएशन ऑफ वायरल वेक्टर इज टर्म एच। इसको पता होना चाहिए कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे में टू अनदर थ्रू द मेडिएशन ऑफ वायरल वेक्टर, इसको बोला जाता है ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं ट्रांसडक्शन, तो तीसरे का ए सही हो जाएगा। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जब हम होस्ट DNA को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं, जब होस्ट DNA को किस में ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसलेशन जब mRNA से प्रोटीन बनता है, mRNA से जब प्रोटीन बनता है इसको उसमें पढ़े हैं हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक बेसिस ऑफ जो सेंट्रल डॉग्मा पढ़ते हैं, तो mRNA से जब क्या बनता है mRNA से प्रोटीन बनता है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और जब होस्ट DNA को इंट्रोड्यूस करवाते हैं बैक्टीरिया में तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, होस्ट DNA ट्रांसफॉर्म इंटू बैक्टीरिया या इंट्रोड्यूस इंटू बैक्टीरिया। ओके तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसलेशन होगा होगा इसका तीसरे का जो है, अगर जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करवा रहे हैं इसके लिए जो है टर्म दिया जाता है ट्रांसडक्शन, तो तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा, तीसरे का ये सही हो जाएगा। ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रखा है, देखो पूछा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विजुअलाइजिंग DNA मॉलिक्यूल सेपरेटेड बाय द एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कौन सा जो है एगेरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जब हम DNA मॉलिक्यूल को सेपरेट करते हैं तो DNA मॉलिक्यूल को विजुलाइज करने के अकॉर्डिंग या विजुलाइज करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही, चारों में से देखते हैं। तो ये सबको पता होगा जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते समय हम करते क्या हैं,
पहले वो तो जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस की जाती है। तो जो जो जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस है, इलेक्ट्रो प्रोसेस ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मालिक्यूल को सेपरेट करते हैं। मालिक्यूल का मतलब है मेरे कहने, मालिक्यूल मीन्स डी एन ए आर एन ए या प्रोटीन के मालिक्यूल को हम सेपरेट करना रहता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो होता है इलेक्ट्रो प्रोसेस। ऐसे में करते क्या है, इसमें एक कैथोड लगाते हैं, इसमें कैथोड होता है मतलब इलेक्ट्रो प्रोसेस में कैथोड होता है, एक एनोड होता है, कैथोड निगेटिव का इलेक्ट्रोड होता है और एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब डी एन ए की, चूँकि हम डी एन ए की जो इलेक्ट्रो प्रोसेस कर रहे हैं, डी एन ए का मतलब फ्रेगमेंट के अकॉर्डिंग, उसका जो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो डी एन ए निगेटिव चार्ज होता है और एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो एनोड की तरफ मूव करेगा। जो छोटा डी एन ए रहेगा वो फास्ट मूव करेगा, और जो बड़ा डी एन ए रहेगा, बल्कि डी एन ए रहेगा, भारी डी एन ए रहेगा, वो बहुत मतलब दूर तक मूव नहीं कर पाएगा, मतलब एनोड की तरफ बहुत दूर तक नहीं मूव कर पाएगा। मेरा कहने का मतलब है, मान लो डी एन ए का फ्रेगमेंट हो गया, कुछ बड़े फ्रेगमेंट रहेंगे, बल्कि जो बल्कि वाले रहेंगे वो एनोड की तरफ नहीं जा पाएंगे, और जो छोटे छोटे डी एन ए के फ्रेगमेंट रहेंगे, मान लो छोटे छोटे डी एन ए के फ्रेगमेंट रहेंगे, वो मूव करके ज़्यादा दूरी तक ही एनोड की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एनोड की पॉजिटिव चार्ज है और डी एन ए कैसा होता है, डी एन ए निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज एसिडिक होता है, इधर जो एनोड लगा है, एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एनोड पे एनोड, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, फिलहाल में पूछा था हमको ये डी एन ए को हम विजुलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। हम डी एन ए को विजुलाइज ऐसे करेंगे, जितना कर लिए हम फिर इसको इथिडियम ब्रोमाइड में स्टेन करेंगे। डी एन ए को इथिडियम ब्रोमाइड में स्टेन करने के बाद इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखेंगे तो हमको डी एन ए दिखने लगेगा, या डी एन ए विजुलाइज होने लगेगा। ओके, तो ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। डी एन ए कैन बी सीन इन द विजिबल लाइट, नहीं, डी एन ए कैन बी सीन इन अल्ट्रा वायलेट लाइट, विजिबल लाइट में तो होता ही नहीं है सीन, अल्ट्रा वायलेट लाइट में सीन होता है। डी एन ए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन द विजिबल लाइट, नहीं ये गलत है, विजिबल लाइट में पहली बात दिखेगा नहीं, और दूसरी बात स्टेनिंग करना पड़ेगा, स्टेनिंग इथिडियम ब्रोमाइड से करना पड़ेगा। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करने के बाद इसको अल्ट्रा वायलेट में देखेंगे, या इसके ऊपर डी एन ए स्टेंड इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेंड डी एन ए को के ऊपर जब हम अल्ट्रा वायलेट लाइट को एक्सपोज करते हैं, तब जाके हमको डी एन ए विजुलाइज होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि विजुअल लाइट इसमें भी दे रखा है। लास्ट वाला सही है, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड स्टेंड डी एन ए, सही बात है, और कैन बी सीन अंडर द एक्सपोजर एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट लाइट। यस, चौथे का डी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब रेस्ट्रिक्ट करना, मतलब रोकना, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, सिंपल सा इसका पाँचवें का सी हो जाएगा, क्योंकि यही है कि प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरियो फेज बाय द होस्ट बैक्टीरिया, तो ये हो जाता है, ठीक है, तो पाँचवें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए मालिक्यूल, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डी एन ए मालिक्यूल के प्रिपरेशन में, रिकॉम्बिनेंट डी एन ए मालिक्यूल बनाने के लिए किस इन चारों में से किसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन एंडोन के लिए ज़रूरत है, क्योंकि उसमें कट करने के लिए, डी एन ए मालिक्यूल को कट करने के लिए हमको रजिस्ट्रेशन एंडोन के लिए चाहिए, ठीक है, जिसको मालिकुलर सीजर बोलते हैं या मालिकुलर नाइफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और डी एन ए लाइगेज चाहिए, जो डी एन ए मालिकुल फ्रेगमेंट के रूप में इसको ज्वाइंट करने के लिए हमको डी एन ए लाइगेज एंजाइम चाहिए। डी एन ए फ्रेगमेंट या रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस से डी एन ए को जब तोड़ते हैं या ब्रेकडाउन करते हैं तो डी एन ए फ्रेगमेंट बनता है, जिसको हम इलेक्ट्रो प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। तो इन तीनों से ही तो रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बनाते हैं, हम आर डी एन ए बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज, ये जरूरी नहीं कि ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करें हम रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बनाने के लिए, तो ई कोलाई की जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है आर डी एन ए बनाने के लिए, तो छठे का डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन एगरोज इलेक्ट्रोफोसिस डी एन ए मालिक्यूल आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, तो रट्टाफिकेशन है कि जब हम एगरोज इलेक्ट्रोफोसिस करते हैं, मतलब डी एन ए मालिक्यूल या कोई मालिक्यूल, चाहे डी एन ए चाहे आर एन ए चाहे प्रोटीन, उसके साइज के अकॉर्डिंग हम सेपरेट करते हैं, उसके साइज डी एन ए फ्रेगमेंट को साइज के अकॉर्डिंग हम सेपरेट कर लेते हैं, चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं, सिर्फ ओनली साइज के अकॉर्डिंग हम सेपरेट करते हैं, तो इस साइज हो जाएगा, सातवें का बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले क्वेश्चन में हो चुका है कि जेल इलेक्ट्रोफोसिस में होता क्या है। ओके, एगरोज इलेक्ट्रोफोसिस में होता क्या है, ठीक है। एक एनोड होता है जो कि पॉजिटिव होता है, एक कैथोड होता है जो कि निगेटिव होता है, उसके बाद इसमें हम डी एन ए के फ्रेगमेंट को डाल देते हैं, जो बल्कि डी एन ए होता है वो कैथोड की तरफ रहता है, जो लाइट डी एन ए होता है, हल्का डी एन ए का फ्रेगमेंट होता है, वो कैथोड की तरफ मूव कर जाता है, क्यों मूव कर जाता है, सॉरी एनोड की तरफ मूव कर जाता है, एनोड की तरफ इसलिए मूव कर जाता है क्योंकि एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और डी एन ए पर जो क्या होता है, डी एन ए जो है एसिडिक होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव भी करेगा, हाँ जो, लेकिन ये जरूरी नहीं है निगेटिव, इससे जरूरी है कि कौन ज़्यादा नज़दीक एनोड की तरफ जाएगा, जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा, जो छोटे साइज में होगा, जिसका
जो डीएनए फ्रेगमेंट छोटा होगा वो ज़्यादा तेज़ी से एनोड की तरफ मूव करेगा और एनोड के ज़्यादा पास चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम बल्कि डीएनए और स्मार्ट डीएनए को सेपरेट कर लेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर उसके बाद हम इस डीएनए को करते हैं, क्या बोलते हैं कि स्टेनिंग भी करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से, इस सब ऊपर हो चुका है। उसके बाद अल्ट्रालाइट में एक्सपोज करके इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, ये सब होता है। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन बस इतना ही था कि डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट हम किस बेसिस पे करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओनली साइज, सिर्फ साइज के बेसिस पे करते हैं, चार्ज के बेसिस पे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन द प्लाज्मिड टू सर्व एज ए वेक्टर इन द जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज। तो प्लाज्मिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है टू सर्व एज ए वेक्टर इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में, तो बताना है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में होता क्या, एक मिनट रुक देते हैं, देखते हैं ओके, तो ये पूछ रखा है तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। प्लाज्मिड पहली बात तो ORI होता है, ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन भी होता है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन अगर वो प्रोकैरियोट है तो एक ही ORI रहेगी, अगर लेकिन यूकैरियोट है तो मोर देन वन ORI होगी, एक से अधिक ORI होगी, मतलब एक यूकैरियोट में एक से अधिक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा। सिलेक्टोरल मार्कर भी होता है प्लाज्मिड में, सिलेक्टोरल मार्कर भी होता है, जैसे कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, दो सिलेक्टोरल मार्कर दे रखा है SID में, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, तो ये होता है। सेक्टर मार्कर भी होता है ओके। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम भी प्रेजेंस ऑफ द साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज के लिए साइड भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मिड में। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही, तीनों सही है ओके। तो आठवें का ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। हम फिगर्स में स्क्रीनशॉट मेंशन कर देते हैं प्लाज्मिड का, ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये प्लाज्मिड का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये अपना सब देख लो, ठीक है ओके, बस हो गया ओके। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9, वाइल द आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया, वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड। जब हम बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो उस टाइम कौन से इन चारों में से कौन से एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं होती है। तो देख लो, लाइसोजाइम अगर बैक्टीरिया से हम निकालते हैं एंजाइम को, मतलब सॉरी, बैक्टीरिया से अगर हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो हमको लाइसोजाइम पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, लाइसोजाइम की जरूरत पड़ेगी। आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियोज के एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ओके। लेकिन हमको डीएनए को आइसोलेट ही करना है ना, डीएनए को आइसोलेट करना है तो डीएनए एंजाइम क्यों लगाएं हम, ठीक है ओके। तो ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोज एंजाइम की जरूरत नहीं है, यानी कि इसको ही बोलते हैं DNH, डीएनए एंजाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सब की जरूरत है क्योंकि सबको रिमूव करना है, सिर्फ डीएनए को हमको बचाना है। बैक्टीरिया सेल में जितनी भी चीज़ें हैं, लाइसोजाइम बैक्टीरिया के सेल वाल को रिमूव करने के लिए, राइबोन्यूक्लियोज बैक्टीरिया के अंदर जो आरएनए है उसको रिमूव करने के लिए, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन है उसके लिए प्रोटीएज है, ये सब एंजाइम, इन सब चीज़ों को हमको रिमूव करना है, सिर्फ हमको डीएनए को बचाना है। तो डीएनए को बचाने का तो हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोज एंजाइम का यूज़ क्यों करेंगे, तो इस एंजाइम की जरूरत नहीं है ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलराइजिंग द PCR, PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ द डीएनए टेम्पलेट नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंथेटिक प्राइमरी ये भी गलत है, अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड भी गलत है। PCR में जो है हम क्या PCR टेक्निक में कंट्रीब्यूट इन पॉपुलराइजिंग, तो पॉपुलराइज यही है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि थर्मल स्टेबल एंजाइम होता है, मतलब कि ये हाई टेम्परेचर भी ऐसा एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर भी एग्जिस्ट करता है, मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर भी ये एंजाइम एग्जिस्ट करता है ओके। तो ये होता है थर्मल स्टेबल एंजाइम है जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। निकाला कहाँ से जाता है, एक मिनट, निकाला जाता है थर्मस एक्वाटिकस से, ये हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव करता है, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया पर, समझ लो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया जो कि हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करती है। और जो एंजाइम है टैक पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है जो कि थर्मल स्टेबल एंजाइम है, तो 10वें का डी सही हो जाएगा ओके। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद है क्वेश्चन नंबर 11, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ए वेक्टर यूजली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ ओके। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ए वेक्टर यूजली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मेंट बैक्टीरियल सेल, ट्रांसफार्मेंट बैक्टीरियल सेल का सिलेक्शन करने में ये यूजली हेल्पफुल होता है, तो ERA का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12,
सिग्निफिकेंस ऑफ द हीट सॉक मेथड इन द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलेट। अच्छा, हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हीट सॉक मेथड का क्या सिग्निफिकेंस है ये पूछ रखा है। तो हीट सॉक इसलिए देते हैं ताकि वो ट्रांसियंट पोर से डीएनए थ्रू द ट्रांसियंट पोर इन द बैक्टीरियल सलवाल अब टेक हो सके। तो ये ट्रांसियंट पोर बनाने के लिए, तो ट्रांसियंट पोर कहीं दिख रहा है, ये रहा ट्रांसियंट पोर, ठीक है। तो 12 का सी हो जाएगा, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांसियंट पोर इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, तो ये चीज़ हो जाएगा 12 का सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द रोल ऑफ द डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रोल ऑफ द डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का रोल क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में डीएनए लाइगेज एंजाइम का रोल ये होता है कि ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के पास फास्फेट एस्टर बांड होता है, उस फास्फेट एस्टर बांड को जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, कहीं दिख रहा है ऐसे ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ द फास्फेट एस्टर बांड बिटवीन द टू डीएनए फ्रेगमेंट है, तो पहला तो सही हो जाना चाहिए। ओके, पहला सही है, आगे देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बांड बिटवीन द स्टिकी एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बांड बिटवीन द स्टिकी एंड, नहीं, लाइगेशन ऑफ द ऑल प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, नहीं ये भी नहीं होगा। तो 13 का सिंपल सा ए सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ये सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कितना टाइम हो गया अभी, ये 5 मिनट हो जाएगा। 14 है कि विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज नॉट ए सोर्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देख लो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं, स्ट्रेट किए जाते हैं, तो कौन सा है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सोर्स नहीं है। हीमोफिलेशन इन्फ्लुएंजा से हिंद सेकेंड और हिंद सेकेंड हिंद थर्ड निकाला गया, ये तो है। इस्चेरिया कोलाई से ईको R1 निकाला गया है, ये भी है। एंटामीबा कोलाई ये तो है ही नहीं बैक्टीरिया, ये तो प्रोटोजोआ, एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये तो आई थिंक प्रोटोजोआ में चला जाता है, तो बैक्टीरिया तो है ही नहीं, तो फिर यही सही हो जाएगा। ये जो है रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस का सोर्स है नहीं, क्योंकि ये बैक्टीरिया है नहीं, ठीक है। तो 14 का सी सही हो जाएगा। डी क्या है, बैसिलस एमाइलो, क्या है एमाइलो लिक्वे फैसियंस, इससे भी निकाला जाता है आई थिंक बाम या H1 इसी से निकाला जाता है, जो भी हो, लेकिन ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस निकाला जाता है। 14 का सी सही हो जाएगा, क्योंकि वो बैक्टीरिया है ही नहीं, एंटामीबा कोलाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग स्टेप आर कैटलाइज्ड बाय द टैग पॉलीमरेज। ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, पीसीआर में, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टैग पॉलीमरेज एंजाइम लगाते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ लगाते हैं, तीन स्टेप होता है पीसीआर, तीन स्टेप में पहला होता है क्या, डीनेचुरेशन एनिलिंग एक्सटेंशन, डाई याद रखना, डी ए ई एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो हम टैग पॉलीमरेज जो है कहाँ लगाते हैं, एक्सटेंशन प्रोसेस में, जब एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर इंड ऑन द टेम्पलेट डीएनए। तो 15 का सी सही हो जाएगा। ओके, 15 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, टाइम 3 मिनट है। ए बैक्टीरिया सेल वॉल ट्रांसफॉर्म विथ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल दैट वाज जनरेटेड यूजिंग ए ह्यूमन जीन, हाउ एवर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द, क्या लिखा है, डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन रीजन कुड बी। अच्छा, ये पूछ रखा है, इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया सेल, हमने बैक्टीरिया सेल को ट्रांसफॉर्म्ड किया विथ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, ट्रांसफॉर्म किया उसको, फिर हमने जनरेट कर दिया ह्यूमन जीन में, ठीक है। हमने इसको किस में जनरेट कर दिया, ह्यूमन जीन में। अब बैक्टीरिया सेल क्या है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग होती नहीं है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं, प्रोकैरियोट, ठीक है। और जबकि ह्यूमन जीन में स्प्लाइसिंग होती है, मतलब स्प्लाइसिंग के पहले जब प्री एमआरएनए बनता है, उसमें दोनों प्रकार के स्ट्रैंड होते हैं, मतलब इंट्रॉन एक्सॉन, ये एमआरएनए में दो स्ट्रैंड होता है, इंट्रॉन, मतलब इंट्रॉन और एक्जॉन। तो इंट्रॉन जो होता है इंटरप्ट करता है, तो इंट्रॉन होने की, इसमें इंट्रॉन है, इसमें इंट्रॉन है नहीं, तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो ह्यूमन जीन में जो है यूकेरियोट होने की वजह से इसमें इंट्रॉन है, तो इसलिए प्रोसेस नहीं हो पाती है, प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोटीन बन नहीं पाती है। ओके, तो ये हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा, ह्यूमन जीन में है इंट्रॉन, ह्यूमन जीन के पास, चूंकि ये यूकेरियोट है तो इसमें इंट्रॉन है, और जबकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, इसमें इंट्रॉन है नहीं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन सेट हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो है डिजायर्ड प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस हो पाती है, ये रीजन है बस। 16 का ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद लास्ट है 17 है कि विच आर द फॉलोइंग शुड बी चूजन, क्या है चूजन, फॉर ए बेस्ट यील्ड इफ वन वेयर टू प्रोड्यूस ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन द लार्ज अमाउंट। इसके लिए स्टीर टैंक बायोरिएक्टर, क्या है, हाँ, स्टेट टैंक बायो रिएक्टर विदाउट इनलेट्स एंड आउटलेट्स। तो 17 का नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा,
विद या विदाउट ले नहीं होगा, मतलब ये होगा सी वाला हो जाएगा, 17 का सी, एक कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये एक और 19 भी है। ओके 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द PCI टेक्निक। रट्टा फिक्सन क्वेश्चन है, कैरी मुलिस को मिला था, कैरी मुलिस को मिला था नोबेल प्राइज। ओके तो 18 का सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड द ट्रू फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्या सही नहीं है, तो देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्या सही नहीं है। इट रिकॉग्नाइज द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सही बात है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जो उसमें से रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम होता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके तब कट करता है। तो 19 का ये तो सही है। क्या पूछा, डज नॉट, कौन सा मतलब सही नहीं है ये पूछा है। इट इज एन एंडो न्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस न्यूक्लियस दोनों टाइप का होता है। इट इज आइसोलेट फ्रॉम द वायरस, नहीं वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो 19 का सी जो है सही नहीं है। चलो हो गया।